कहा कि मेहर तहसील के नादान देहात थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कथावाचक बाबा पंडित नारायण स्वरूप त्रिपाठी को 3 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तीनों नाबालिग बहनें सुबह से थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठी थी, लेकिन बाबा के रसूख के आगे मामला दर्ज नहीं हो सका। शाम होते ही मामला सोशल मीडिया में वायरल होने पर सतना एसपी ने संज्ञान लिया। तब कहीं जाकर पीड़ित पिता और नाबालिग लड़कियों के बयान के आधार पर थाने में मामला कायम हो सका है। पुलिस ने आरोपी बाबा पंडित नारायण स्वरूप त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में आ चुकी हैं। लेकिन अभी पुलिस के आला अफसर बाबा की गिरफ्तारी शो नहीं कर रहे हैं, जबकि एसडीओपी आरोपी बाबा के खिलाफ नादान थाने में धारा 376 और गए आईपीसी 325 अनुसूचित जनजाति अधिनियम एवं 5/6, 7/8 पास को एक्ट के तहत मामला कायम किया गया है। आरोपी पंडित काल सप्र दोष पूजन करने के बहाने तीनों नाबालिग बहनों को एक एक करके कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया है। जानकारी लगने पर माता पिता तीनों लड़कियों को लेकर सुबह नादान थाने पहुंचे, लेकिन दिन भर थाने में बैठने के बाद भी बाबा के रसूख के चलते नादान पुलिस ने मामला कायम नहीं किया। एसपी के दखल के बाद मामला कायम किया गया है। अगर जो दिमाग में लगा कि हम घर छोड़ के आ गए हैं, बड़ी बहू या कि बहन या कि अभी अभी जो आई है नवेली नवेली, कहीं पाके अकेली, जय भगवान की खोस न ले पूरा छल, और जब गई सास तो मच गया हल्ला। आरोपी नारायण स्वरूप त्रिपाठी के विरुद्ध रिपोर्ट की है कि पूजा के लिए सर्प काल दोष के लिए अपने बच्चों को पूजा कराने के लिए बुलाया था, और इसके बाद बच्चों के साथ अश्लील हरकतें उसके द्वारा की गई थी। तो आज दिनांक को थाना नादन में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है, जिसमें धारा 376, 3/6, 3/1, 3/1, 5, 3/2, 5 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 SC/ST के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना जारी है।